दोस्तों नमस्कार, मैं शिवराम सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्मार्ट पॉइंट पर। दोस्तों कैनरा बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो अपडेट आया है तो ये वीडियो मैं उसी अपडेट को लेकर बना रहा हूं। इसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि कैनरा बैंक के एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या अपडेट हमें देखने को मिलते हैं, इसमें किस तरह के कौन कौन से अपडेट आए हुए हैं और इनको हम जो है कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा जो है अपडेटिंग के बारे में बताऊंगा आपको कि कैनरा बैंक के एप्लीकेशन के अंदर जो है क्या क्या अपडेट आए हुए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। चलिए दोस्तों फटाफट से जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपना जो है कैनरा बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर में जाने के बाद जो है और यहाँ से अपडेट कर लीजिए। तो मैंने अपडेट कर लिया है, तो पहले हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स जो है नए ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखिए व्हाट्स न्यू है, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 पॉइंट दिखाए हुए हैं जो नए अपडेट किए हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहला है लॉगिन यूजिंग फिंगरप्रिंट, यानी कि जो फिंगर सेंसर वाले जो है जितने भी स्मार्टफोन है उनमें आप जो है फिंगर के थ्रू भी लॉगिन कर सकेंगे। दूसरा है यहाँ पे डेबिट कार्ड ब्लॉक अनब्लॉक हॉटलिस्टिंग एंड सेट कैश विड्रॉल पोस्ट लिमिट, ये मतलब एटीएम कार्ड से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो आप अपना एटीएम कार्ड जो है मैनेज कर पाएंगे। उसके नीचे क्रेडिट कार्ड सर्विस ब्लॉक अनब्लॉक हॉटलिस्टिंग क्रेडिट कार्ड समरी व्यू पेमेंट ड्यू डेट ईमेल स्टेटमेंट ईटीसी, यानी कि क्रेडिट कार्ड के भी लगभग सारे ऑप्शन हमारे हिसाब से यहाँ पे दे दिए गए हैं आपको। अब इसके बाद है मोबाइल बैंकिंग इनेबल फॉर एनआरआई कस्टमर्स, तो ये एनआरआई कस्टमर के लिए भी जो है मोबाइल बैंकिंग सर्विस जो है स्टार्ट कर दी गई है। उसके बाद है टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड, यहाँ पे आपका जो टीडीएस कटता है उसका सर्टिफिकेट भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे व्यू ऑल डिपॉजिट एंड लोन अकाउंट, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके नीचे है रिक्वेस्ट फॉर ईमेल पास सीट, ये भी आपको मिल जाएगा। इसके नीचे लोन अकाउंट स्टेटमेंट जो आप पहले नहीं देख पाते थे वो भी अब आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद जो है सबमिशन व्यू ऑफ 15G 15H फॉर्म, तो ये भी आप जो है सबमिशन आप कर पाएंगे यहाँ से 15G 15H फॉर्म को। और उसके बाद 10वें नंबर पे आता है अप्लाई फॉर लॉकर, यहाँ से आप लॉकर भी जो है अपना ले सकते हैं बैंक के अंदर। 11वें पॉइंट पे आता है रिक्वेस्ट फॉर एसएमएस अलर्ट, तो यहाँ पे 11 पॉइंट ये जो मेन हाईलाइट आप दिखाए जा रहे हैं व्हाट्स न्यू में, तो ये फीचर्स जो अपडेट किए गए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कैसे फीचर्स अपडेट हुए। तो हमने यहाँ पे अपडेट कर लिया, अब इसे हम डायरेक्टली ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो देखिये वर्जन भी चेंज हो गया, 1.3.7 हो गया है जो अपडेट होने के बाद जो है चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए होम पेज पे आपको पासवर्ड डालने से पहले जो है यहाँ पे नीचे दिख जाता है रजिस्टर विद टच आईडी, यहाँ पे आप फिंगर को टच करके जो है इनेबल मोड पे कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे इनेबल करना चाह रहे हैं तो नीचे आ रहा है इनेबल फिंगरप्रिंट आईडी, इस पे हम क्लिक करेंगे और आपके एंड्राइड में जो फिंगर स्कैनर है उस पे आप स्कैन कीजिए। फिंगर को स्कैन किया मैंने, मेरा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है तो मैंने यहाँ पे स्कैन कर दिया। लेकिन यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना, आपके में जो फिंगर सेंसर वाला ऑप्शन है सिक्योरिटी सेटिंग में जाके मोबाइल में पहले उसे इनेबल कर लें, उसके बाद ही यहाँ पे ये वर्क करेगा। अगर आप इनेबल नहीं करके रखे होंगे तो यहाँ पे वर्क ये नहीं करेगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म के लिए आपको पासकोड अपना डालना है जो आपका यहाँ पे 5 डिजिट का बना हुआ है, उसे डालेंगे तभी ये कंफर्म होगा। तो चलिए हम डाले दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पासकोड अपना डाल दिया। यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग चल रही है थोड़ा सा, और देखिए यहाँ पे जो है यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद टच आईडी लिख के आ गया है, यहाँ पे जो है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब हमें पासपोर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। यहाँ पे जब भी हम जो है फिंगर से लॉगिन करना चाहें कर सकेंगे। यहाँ पे जो है फिंगर सेंसर देखिए हमारा इनेबल हो गया, अब यहाँ पे हमसे फिंगर मांग रहा है लॉगिन करने के लिए, तो हमें आप फिंगर टच करेंगे और देखिए ये जो है सेकंडों में जो है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा फिंगर आईडी जो है इनेबल हो गया है और यहाँ पे फिंगर के थ्रू ही मैंने आपको लॉगिन करके दिखाया है, यहाँ पे हमने कोई पासपोर्ट नहीं दिया है। तो देखिए कुछ अब इस तरीके से इसका लुक देखने को आपको मिलेगा होम पेज का, देखिए सारा लुक चेंज हो गया है। पहले आपको दिखता था कैसा आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा लुक जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो चलिए एक एक करके सारे फीचरों पे नजर डाल लेते हैं फटाफट से, जिससे कि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फंड ट्रांसफर का ऑप्शन है, इसमें जो है विद इन कैनरा है तो ये पहले से ही था। उसके बाद IMPS, उसके बाद स्कैन एंड पे है, ये पहले से ही ऑप्शन थे आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो है खास चेंजिंग नहीं। सर्विस में आते हैं तो मैनेज अकाउंट का है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, मैनेज बेनिफिशियरी है जहां से आप अपने किसी भी बेनिफिशियरी को जो है ऐड या रिमूव कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल सर्विस है यहाँ पे, डोनेशन का है, इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस का भी पहले था लेकिन अब ये कुछ इस तरीके से लुक में आ गया है। तो इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस मिल जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह आप लेना चाहें यहाँ से तो ले सकते हैं, मैं बैक करता हूँ। और इसके नीचे आएंगे गवर्नमेंट स्कीम में, तो यहाँ पे देखिए अटल पेंशन योजना भी आ गई है और सबमिट पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए एक लिंक आ गया है।
तो जिसके थ्रू आप जो है अगर पेंशन लेते हैं तो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये उसी साइड पे ले जाएगा जीवन प्रमाण पत्र वाली पे जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी। यहाँ पे देखिए रीजनरेट टैक्स चालान है, अगर आपने कोई चालान वगैरह पेड किया तो यहाँ पे रीजनरेट भी उसे कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग के लिए आ गया है, तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट जो है ओपन कर सकेंगे। इसके बाद जो है पीपीएफ ट्रांजेक्शन का है, इसके बाद जो है पीएमजेजेबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो 300 रुपए की है इंश्योरेंस वाली स्कीम है वो भी यहाँ पे आ गई है। इसके बाद जो है पीएमएसबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 12 रुपए ईयरली कटता है, इंश्योरेंस 2 लाख का रहता है इसमें, तो ये भी आप ले सकते हैं। ओपन एनपीएस अकाउंट का भी यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ से एनपीएस अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं, एनपीएस ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ से। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए अदर एप्लीकेशन के फीचर भी यहाँ पे आ गए हैं, जैसे कैनरा दिया है जो अकाउंट ओपनिंग के काम आता है, पे टैक्स का है, आधार का है, ई इन्फो पे मैं आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ, एसएमएस बैंकिंग इस पे भी मैं वीडियो बना के दे चुका हूँ, तो ये सारे लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके नीचे देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो बैंकिंग, बिल पे, भीम यूपीआई, कार्ड और प्रोफाइल, ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। चलिए कार्ड पे हम क्लिक करते हैं, और कार्ड पे क्लिक करते हैं तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिए जैसा कि वहां पे दिखाया गया था यहाँ पे जो है आपका डेबिट कार्ड आ जाएगा, और स्क्रॉल करेंगे क्रेडिट कार्ड अगर ले रखा होगा तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है ये कार्ड की इन्फॉर्मेशन देगा, देखिए ये हमारा क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल गए हैं जो पहले हमें नहीं मिलते थे। यहाँ पे मैनेज कार्ड का है, पे नाउ का है, कार्ड समरी का है, अनविलिड ट्रांजेक्शन का है, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन है, ईमेल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्रेडिट कार्ड के भी सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डेबिट कार्ड से रिलेटेड हमें सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो यहाँ पे पहले नहीं मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे काफी ज्यादा इम्प्रूव किया गया है इस एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन बढ़ गए हैं। यहाँ पे देखिए ब्लॉक टेम्परेरी कर सकते हैं आप अपने कार्ड को, और ब्लॉक परमानेंटली भी कर सकते, और सेट डेली लिमिट, यहाँ पे जो है लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों को ही लेके जो है इस एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया गया है, बहुत ज्यादा फीचर्स बढ़ाए गए हैं। अब अपने कार्ड को भी आप जो पूरा यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं इन पे जो एक एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करना तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको दे दूंगा। मैं मोबाइल से मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है काम नहीं करती है, तो इसलिए जो है इस तरीके से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और यहां पे बात करते हैं भीम यूपीआई की, तो देखिए भीम यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो भीम यूपीआई के हालांकि फीचर्स इसमें पहले से थे लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखिए प्रोफाइल पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड सारी चीजें दिख जाएंगी। यहाँ पे आपको माई MMID, माई BPA यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो होता है, माई QR कोड, ब्लॉकेड यूजर, डी रजिस्टर, चेंज MPIN, चेंज पासकोड, चेंज लैंग्वेज, रेफर ए फ्रेंड, और नीचे हेल्प में मिल जाएगा फीडबैक और कॉन्टेक्टर्स। तो इतने सारे आपको प्रोफाइल में जो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब जो है यहाँ पे इस एप्लीकेशन को बहुत ही इम्प्रूव किया गया है, आपको केवल दिखाना था कि इसमें जो है क्या क्या फीचर्स बढ़ाए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जो इन्होंने फिंगर सेंसर वाला फीचर्स बढ़ाया है ये बहुत बढ़िया मुझे लगा है, क्योंकि पासवर्ड वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, आप जो है सीधा सीधा जो है फिंगर यहाँ से हम देके और जो है इसमें हम जो है लॉग इन कर सकेंगे। लोन की बात करें तो देखिए लोन का यहाँ पे पहले ही ऊपर दिखता था, तो यहाँ अभी भी है, तो यहाँ पे लोन पे क्लिक करेंगे, लेकिन पहले क्या था केवल लोन का हम अमाउंट देख सकते थे, टोटल लोन हमारे पास कितना रह गया है, लेकिन यहाँ पे अब जो है ट्रांजेक्शन वगैरह भी उसकी हम चेक कर सकेंगे। तो ये होगी लोन की बात। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए SMS बैंकिंग है, SMS बैंकिंग में अगर आप चाहें तो यहाँ पे SMS बैंकिंग में काफी सारे फीचर्स बढ़ाए गए हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहला बैलेंस इंक्वायरी का है, दूसरा मिनी स्टेटमेंट का है, तीसरा ई पास शीट का है, और चौथा जो है चेकबुक रिक्वेस्ट का है, उसके बाद जो है हॉटलिस्ट लॉस्ट डेबिट कार्ड का है, उसके बाद ब्लॉक नेट बैंकिंग का है, हॉटलिस्ट लॉस्ट क्रेडिट कार्ड का है, PMJJBY, PMSBY स्टेटस का है, बैलेंस इंक्वायरी हिंदी में कर सकते हैं, कार लोन इंक्वायरी कर सकते हैं, होम लोन इंक्वायरी कर सकते हैं। कहने वाले यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन आपको SMS बैंकिंग में भी देखने को मिल जाते हैं। आप मुझे कमेंट करना तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के देता जाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे ऑप्शन को समझाना संभव नहीं है। फिलहाल ये अपडेट आ गया है कैनरा बैंक के एप्लीकेशन के अंदर, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसका जो अपडेट मुझे जरूरी है देना, क्योंकि हो सकता है काफी लोग इस चीज का वेट कर रहे हो कि हमें ये फीचर्स मिल जाए कि हमको वो फीचर्स मिल जाए। तो ये अपडेट आने के बाद जो है अब आप देख लीजिए, शायद आपको जिस फीचर्स की रिक्वायरमेंट थी वो आपके लिए यहाँ पे आ चुका हो। और कमेंट करके जरूर बताना कि कैनरा बैंक का ये अपडेट आपको कैसा लगा, ये जो अब अपडेट होने के बाद वर्जन में फीचर्स इन्होंने बढ़ाए हैं या जो है लुक को चेंज किया है, तो इसमें आपकी क्या राय है, ये कैनरा बैंक का डिसीजन कैसा है, सही है या गलत है, जो भी है आप जो है कमेंट करके जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मैंने आपको बता दिया है कैनरा बैंक का जो है अब मोबाइल एप्लीकेशन में अपडेट आ गया, ऐसे आप अपडेट कर लीजिए, अपडेट करने के बाद बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जो है आप यूज कर पाएंगे।